हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जी के लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में, आज बात करेंगे न्यायपालिका की। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिकता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम बढ़ते दबाव के देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 की गई। तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़कर 14, 1978 ईस्वी में 18 तथा 1986 ईस्वी में 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़कर 30 करने का फैसला लिया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये प्रतिमा व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रतिमा वेतन मिलता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2,696 दिन 2,696 दिन थे। सबसे कम तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन थे। नोट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकायुक्त मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भागवती थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून को का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य तथा किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यह निम्न मामलों से प्राप्त होता है। पहला, भारत संघ तथा एक से अधिक के राज्यों में मद्य उत्पादन विवादों में। दूसरा, भारत संघ तथा कोई भी एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों में से के बीच ऐसे विवाद में जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद का निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्रीकरण क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण होते हैं, पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। परामर्श तात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय को परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143, न्यायालय में परामर्श को स्वीकार या स्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे
तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पांचवा, अभिलेख न्यायालय संविधान को अनुसूचित 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि उस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप से स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकेगा। छठा, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रतिचीकरण परामर्देश प्रतिशेष अधिकार प्रचलेखा और उद्देशण के लेख जारी कर सकता है। नोट, उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214, लेकिन संसद विधि द्वारा ये दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231, वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के एक ही उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत के 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष या न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या में से या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में से लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें कि उच्च न्यायालय में स्थित है का राज्यपाल उसी पद को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष यानी 65 वर्ष पद प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है।